सो गाइस अभी हमारे पास है ये डीजल इंजन और इसका काम क्या है और इसकी लोकेशन को देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये जो डीजल इंजन है इसका बहुत बड़ा योगदान था हमारे देश में जो हरित क्रांति आई उसमें, क्योंकि जो पारंपरिक कृषि के सिंचाई के स्रोत थे उनको इसने रिप्लेस कर दिया और इसने अपनी मुख्य भूमिका निभाई भूमि की सिंचाई में। लेकिन हमारा जो काम है वो इससे सिंचाई करना बिल्कुल नहीं है। हम आपको भी दिखाने वाले हैं कि क्या होगा अगर हम इस इंजन के एग्जॉस्ट में एक बड़ा बलून लगा दे, तो हमारा देखने का ये मकसद है कि क्या उसको ये फुला पाएगा या फिर इसकी तेज गर्मी से हमारा बलून जो है फूलने से पहले ही फट जाएगा। जो भी होगा हमेशा की तरह वीडियो में आपके सामने होगा। तो हम और मेरा एक ये छोटा साथी भूपेंद्र, हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं हमारी वीडियो के रिजल्ट्स को देखने के लिए। बोल भाई भूपेंद्र, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है भाई। सो गाइस अभी के लिए जो ये इंजन का एग्जॉस्ट है जहाँ से धुआं निकलती है काफ़ी गर्म हो जाता है, इसीलिए हमने इस पर गीला कपड़ा बांध दिया है। अब हम इस पर गुब्बारा लगाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे गुब्बारे का जो लाइफ स्पैन हो वो थोड़ा लंबा हो, सो दैट कि इसमें मैक्सिमम हवा जो है भर सके और ये अपने मैक्सिमम साइज़ को अचीव कर सके। सो गाइस गुब्बारा हमने अपने डीजल इंजन में बांध दिया है, लेकिन इसको स्टार्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो हमारे होराम जी की है, क्योंकि ही इज़ द एक्सपर्ट इन स्टार्टिंग ऑल टाइप ऑफ इंजन्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू एनी इंजन यू कैन आस्क हिम। गाइस आप देख सकते हैं कि ये है हमारा गुब्बारा और इसका जो साइज था जितनी हमने उम्मीद की थी उससे काफ़ी बड़ा था, और इसका रिजल्ट जो ये देखिए ये बचा हुआ पीस है और ये काफ़ी गर्म भी हो गया है, लेकिन इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, सेम चीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।